हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। सभी को नमस्कार, आ जाइए सभी के सभी लोग। थैंक यू पवन। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आर्टिकल्स के क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा और आर्टिकल्स के क्वेश्चंस पर आप लोगों को कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए अगर आप अपने नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़कर देख लेते हैं तो। खैर, चलिए कहानी को थोड़ा आगे लेकर चल लेते हैं। मैं पिछले वीक थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा, उसके डिस्टर्बेंस की वजह मेरे पिताजी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रही, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा। एज लीव दैट इशू। खैर, तो मैं अब आप लोगों के साथ पूरे वीक जुड़ा हूँ, इसमें कोई इशू नहीं होगा और अब कोई क्लास में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। पिछली क्लास तक हम लोगों ने आर्टिकल्स को समझने का प्रयास किया और आपके पास दो तीन दिन का जो भी ब्रेक था उस दो या तीन दिन के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चंस भी लगाए होंगे, अपनी वीडियोज भी देखी होंगी। आपको जब भी छुट्टी मिलती है तो लग जाया करो पहले दिन से सारी वीडियोज को एक बार देखने के लिए, क्योंकि जितनी बार वीडियोज को आप देखोगे उतनी बार आपका विजन क्लियर होगा। इंग्लिश डिमांड करती है, इंग्लिश डिमांड करती है आप लोगों का टाइम। चलिए दोस्तों, इसी बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है और मैं जो बात करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ उससे हम लोग एक छोटे से नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। पहले दिन से जब मैंने आप लोगों को नाउन पढ़ाना शुरू किया था तब से मैं आप लोगों को एक चीज कहता आ रहा हूं। मुझे लगता थोड़ा ऊंचा लिख दिया मैंने। पहले दिन से मैं आप लोगों को एक बात कहता आ रहा हूं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नाम का कोई अलग से टॉपिक नहीं होता, ये सभी के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच से निकली हुई बातें होती हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से निकली हुई बातें कैसे एक्चुअल में फंक्शन करती हैं आज ये चीज हम लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। फाइन, चलिए मैं छोटी छोटी चीजों को जोड़ना समझना समझाना शुरू करूंगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ दो ही बातों का रिश्ता हमें समझना है, एक हुआ हमारा सब्जेक्ट, एक हुआ हमारा वर्ब। अब इस वर्ब के दोनों रूप हमारे काम आ सकते हैं, चाहे आप इसे हेल्पिंग वर्ब के नाम से समझें चाहे आप इसे मेन वर्ब के नाम से समझें, इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चाहे आप इसे किसी भी दायरे से समझने का प्रयास करें, ठीक है बच्चों। अब ये कायदा क्या कहता है, अगर हमारे सामने सब्जेक्ट लिखा हुआ नजर आए सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग चुनते हैं सिंगुलर, और अगर हमारे सामने लिखा हुआ सब्जेक्ट नजर आता है प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब हम लोगों को चाहिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये छोटी छोटी दो बातें हैं, इन्हीं के आधार पर पूरा का पूरा गणित हमें घुमाना है। फाइन, अब ये सब्जेक्ट और वर्ब किस तरीके से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं उसको तो मैं समझाना शुरू करूंगा ही, लेकिन उससे पहले इस टॉपिक के कई सारे नाम लोगों ने बना लिए, मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। कुछ लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही एक नाम से और जानते हैं सिंटेक्स, कुछ लोग सिंटेक्स की जगह इसी को कहने की कोशिश करते हैं कॉनकॉर्ड। कई तरीके के इसके नाम हैं, कई तरीके के इसके अभिप्राय तैयार हुए हैं, लेकिन हमें तो कायदा एक समझ आता है, जैसा सब्जेक्ट वैसी ही उसके लिए हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, ठीक है। अब इसी के आधार पर चीजें कहाँ कौन कौन सी हम लोगों ने सुनी है समझी है मैं वो आपके सामने पेश करूंगा। आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम की एक चीज को समझने का प्रयास करना है, सबसे पहले टेंस के आधार पर। टेंस की हम बात करेंगे अभी नहीं, हम लोगों ने तो नहीं किया अभी तक टेंस का जिक्र, थोड़े ही समय में वो आपके सामने आएगा। सबसे पहली बात हमें टेंस के आधार पर तैयार करनी है और टेंस किस तरीके से काम करते हैं छोटी सी रिवीजन लगाना चाहूंगा आप लोगों के साथ मिलकर। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहने की कोशिश करता हूं ही डिड नॉट वेंट देयर, इस लिखे सेंटेंस में आपकी तरफ से कोई परेशानी ठीक हो सकती है।
मुझे लगता है मेरे सभी दोस्त ये चीज़ जानते हैं कि सर जब डिड की बात हमने कर दी है तो हम लोगों को फर्स्ट होमोफर्ब का यूज़ करना है। देखो बच्चों, ये चीज़ मैंने अभी सिखाई नहीं है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि स्कूल लेवल पर, किसी भी तरीके के लेवल पर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर ने ये चीज़ आपके जहन में बिठाई है, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज़ सिखाई है, समझाई है, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा हम ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। चलो मैं एक फिर सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने कहा, दे गोज फॉर अ वॉक। इस सेंटेंस में कोई करेक्शन हो सकती है? तो आप कहने की कोशिश करेंगे कि सर दे अपने आप में एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो गोज नहीं, सिर्फ गो के साथ बात करते हैं। वैसे मैं छोटी सी मदद के लिए लिख देता हूँ एक छोटा सा नियम। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अगर आप लोग सिंगुलर सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करते हैं फर्स्ट होम ऑफ वर्ब के साथ एस या फिर ईएस। लेकिन अगर लिखने का काम करें आप लोग प्लूरल सब्जेक्ट का जिक्र, तो बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट होम ऑफ वर्ब। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, राहुल वर्क्स हार्ड, तो इस लिखे सेंटेंस को अगर थोड़ा ध्यान से देखने का काम करेंगे आप, तो राहुल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्क्स अपने आप में बिल्कुल सटीक बात कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस में राहुल की बात हटाकर अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं वी, तो आगे आने वाली बातचीत में वर्क्स नहीं, सिर्फ वर्क हम लोगों को लिखना होगा, ठीक है जी। छोटी सी बात है। तो टेंस का असलियत में जो दायरा है वो हम लोग समझेंगे तो अलग तरीके से, एक अलग सेगमेंट में, लेकिन अभी जितनी हमें जानकारी, मैं सिर्फ उसी का यूज कर रहा था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोगों ने एक और जाए है जाकर समझा है, जिसे हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन के अंदर बहुत सारी वोकैबुलरीज हम लोगों ने पढ़ी हैं, नाउन के दौरान हमने बहुत सारी वोकैबुलरीज हमने पढ़ी हैं, और उन सभी की सभी वोकैबुलरीज के आधार पर हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तैयार होता है। थोड़ा समझे याद आएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहने की कोशिश करता हूँ, द पुलिस हैज कम, कोई करेक्शन होगी बच्चों? बताओ जरा सोच के। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप कहेंगे सर हमें 5 P याद आते हैं, और उसी के दौरान हम लोगों ने समझा था कि इसका बिहेवियर सिंगुलर नहीं प्लूरल की तरह होना चाहिए, नॉट अ बिग डील, आपको याद है? अरे हाँ है ना। अगर मैं कहने की कोशिश करता हूँ, इसी जैसे और भी शब्द हम लोगों ने पढ़ने का काम किया है। मैं अगर कहूँ द समन्स हैव बीन इशूड, कहना ठीक होगा? तो आप लोगों को शायद नाउन के दौरान पढ़ाया गया है कि सर समन्स देखने में भले ही प्लूरल लगता है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होता, ये नाउन अपने आप में सिंगुलर रहता है, इसलिए हम लोगों को इसके साथ यूज करना है हैज। नाउन के अंदर बहुत सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं, समझी हैं, पहली बात तो ये। हम लोगों ने इसी को समझने की कोशिश की एक और टॉपिक के दौरान, और इसे हम कहते हैं प्रोनाउन। मैं प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ एक एग्जाम्पल सीखने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर मैं कहने का सवाल लिखूं, इट इज मी हु is updated। अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को मैं ठीक करने की कोशिश करूं, तो बच्चों हम लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ा है प्रोनाउन के दौरान कि इट अपने आप में एक डमी सब्जेक्ट होता है, ठीक है जी। ये हुई हमारे सामने लिंकिंग वर्ब, और इसी के बाद आने वाला जो भी होगा वो सब्जेक्टिव केस हुआ। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट कर रहा है इस आई को, अब इस आई के ही मुताबिक यहाँ पर इस हटाकर हम लोगों को यूज करना पड़ा एम, क्लियर है? तो ये चीज़ हम लोगों ने समझी है रिलेटिव प्रोनाउन के दौरान। चलो एक और बड़ी प्यारी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहने की कोशिश करूँ आपके सामने, ईच ऑफ द गर्ल हैव लॉस्ट देयर पेन, आपके हिसाब से सेंटेंस में क्या करेक्शन होगी, सोचें और बताएं।
अब अगर मैं इस लिखी हुई बातचीत को ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो हम लोगों ने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के दौरान इस चीज को, ठीक है। और ईच के बाद जो भी हम लोग नाउन यूज करते हैं वो प्लूरल रहता है, हाँ ना। और ईच की वजह से हमारा जो भी आने वाला है हेल्पिंग वर्ब का रूप वो हम हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं, क्योंकि बात गर्ल्स में से एक की हो रही है, तो शायद इसी गर्ल के अकॉर्डिंग हम लोग इस देयर को हटाकर यहाँ पर यूज करते हैं हर। आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर सीखने का प्रयास किया है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों, जिसे हम कहते हैं क्या चीज भाई, जिसे हम कहते हैं शाबाश, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में भी हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी हैं जिनके आधार पर हेल्पिंग वर्ब का एग्रीमेंट तैयार होता है। फिर हम लोगों ने एक नई चीज को समझने का प्रयास किया था, और वो चीज थी हमारी एडजेक्टिव। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहां कहां हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को तैयार किया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक हमारा तीसरा दायरा है जो एडजेक्टिव्स में हम लोगों ने यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहने की कोशिश करूं द ऑनेस्ट हैज टू, सफर अ लॉट, इस लिखे सेंटेंस में आपकी तरफ से कोई करेक्शन होगी? देखो बच्चों, पढ़ी हुई चीजें हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो आंसर मुझे दोगे वो सटीक होगा। थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो याद आता है, अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री के साथ अगर आर्टिकल द जुड़ा हुआ मिलता है तो ये ऑनेस्ट लोगों की बात करता है, और हमने इसके बिहेवियर को फिक्स किया था प्लूरल। हमने इसके साथ एसएएस नहीं जोड़ा था, हमने इसके बिहेवियर को रखा था प्लूरल, और इसी की वजह से हम लोगों ने इसके साथ जोड़ने का काम किया हैव को। क्लियर है? एडजेक्टिव्स में ये बात हम लोगों ने पढ़ी है। अब आता हूं मैं एक अगली बात को लेकर। प्रोनाउन से जुड़ी हुई है ये बातचीत, हालांकि ये पढ़ना हमारा टॉपिक है जो आगे हमारे सामने आएगा, इसे हम पढ़ेंगे बड़ी प्यार से। प्रेपोजिशन कहते हैं हम इसे, क्या कहते हैं बच्चों? प्रेपोजिशन कहते हैं हम इसे, और प्रेपोजिशन के आधार पर हम लोगों ने इसे थोड़ा सा समझा है। मैं कैसे समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा फोकस्ड रहें चीजों पर। प्रेपोजिशन के आधार पर हम लोगों ने प्रोनाउन के दौरान लिस्ट बनाई थी। सेंटेंस लिखूंगा, अपने आप याद आ जाएगी। ही, लाइक, आई, Have done my work. सेंटेंस में क्या करेक्शन होगी भाई, कुछ याद आएगा? मेरी इस वीडियो को घर पर जब मैं कंप्लीट करता हूं इस बातचीत को आज, तो इसे घर पर एक बार दोबारा से देखने की कोशिश करना, और जहां पर मैं बोल रहा हूं, जो भी चीज बोल रहा हूं, अपने नोट्स को जरा ध्यान से एक्सेस करके देखना, और आपको पता चलेगा कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कौन कौन सी खूबसूरत बात कहां कहां पर समझी है। क्लियर है? और अफसोस तो मुझे उन लोगों के लिए होता है जो पहले दिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाकर कहानी को खत्म कर देते हैं, और सोचने की बात यह है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने के नाम पर कितने सारे टॉपिक्स की हत्या होती है। अभी आप खुद ही समझेंगे। और टू बी वेरी फ्रैंक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा दायरा जहां पर सारी की सारे टॉपिक्स की रिविजन भी होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं आज तक, उन सभी की रिविजन भी होगी, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है आप कितना पेशेंस के साथ इसको रिवाइज करते हैं। ही हमारे लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। लाइक अपने आप में, कुछ याद आया बच्चों? प्रेपोजिशन कही थी। प्रोनाउन के नोट्स खोलकर देखना, वहां लिखवा रखिए, इसकी तीन कैटेगरीज बांटी थी, पॉजिटिव, नेगेटिव और प्रेपोजिशनल फ्रेज। लाइक एक प्रेपोजिशन होने के नाते जो भी इसके बाद आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस हुआ, यानी कि इस मी को, इस आई को हटाकर मुझे यहां पर लिखना पड़ा मी। अब इस मी को अगर मैं देखता हूं तो इस मी का हैव से कोई लेना देना नहीं। अगर मी का इस हैव से कोई लेना देना नहीं है तो इसका मतलब इस ही के मुताबिक ही यहां पर यूज होना चाहिए हैज। तो जब कायदा ही के अनुसार चल रहा है तो आने वाली जो भी हमारे पास यहां पर ये जो प्रोनाउन है इसके लिए भी हम लोगों को यूज करना पड़ा हिज। ये चीज हम लोगों ने प्रोनाउंस के दौरान पढ़ी है। फाइन, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें तो वो हुई जो हम लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पढ़ी हैं, ठीक है बेटा। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फटाफट से एक बार देख लीजिएगा बच्चों, फिर मैं इन चीजों को जोड़ने की कोशिश करूंगा।
देखो बच्चों, अब इसी प्रेपोजिशन के दायरे को अगर थोड़ा सा और डेप्थ में छेड़ना चाहें तो ये थोड़ा सा एनहेंस्ड लेवल पर भी पूछा जाता है। एक छोटा सा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, अब इसको करेक्ट करने के लिए एक वही बेसिक इंफॉर्मेशन काफी है। इस क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए वही एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन काफी है जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ने समझने की कोशिश की थी। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करूं तो हमारे सामने यहां पर सब्जेक्ट के नाम पर इतनी सारी कहानी जोड़ दी गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले मैं इस हैज के नजदीक लिखा हुआ देख रहा हूं और ये लिखा मुझे मिला द टेबल। अगर थोड़ा ध्यान से देखूं तो ये लिखी है अपने आप में एक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस का इस हेल्पिंग वर्ब से लेना देना नहीं, यानी कि अब हमारे सामने लिखे हुए सब्जेक्ट के काम पर कौन काम कर रहा है, भाई साहब, देयर बुक्स। ठीक है, लेकिन अगर फिर ध्यान से देखूं तो ये लिखा विद अपने आप में हुआ प्रेपोजिशन, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद ये भी हुआ क्या चीज, ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि इसका भी इस हेल्पिंग वर्ब से लेना देना नहीं रहा। रिवर्स में मैं आता हूं तो मेरे सामने ये जो भी कुछ लिखा है अब ये हुआ हमारे सेंटेंस का लिखा सब्जेक्ट, लेकिन अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो इसी से पहले लिखा है ये एक अपने आप में प्रेपोजिशन, यानी कि ये भी हुआ क्या चीज, ऑब्जेक्टिव केस। अगर ऑब्जेक्टिव केस हुआ तो ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब से लेना देना नहीं रखता। अरे हाँ ना, तो इसका मतलब क्या समझ आ रहा है, मेरे पास तो सब्जेक्ट के नाम पर जो भी बच गया वो स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के मुताबिक हैज ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैव। तो बच्चों ये चीज़ें हम लोगों ने इससे पिछली क्लासेस में समझा है कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर दो अलग अलग सब्जेक्ट अगर हम जोड़ते हैं प्रेपोजिशन से तो भैया इस प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ चाहे कुछ भी हो वो रहेगा ऑब्जेक्टिव केस और आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब का एग्रीमेंट है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। तो इसी लिखे हुए अगर कायदे को मैं चेन की तरीके से बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा नाउन वन प्रेपोजिशन, नाउन टू प्रेपोजिशन, नाउन थ्री प्रेपोजिशन, नाउन फोर, कितनी बड़ी इस कहानी को आगे बढ़ा लो, सवाल उठता है हेल्पिंग वर्ब का क्या करोगे, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। इस लिखी प्रेपोजिशन की वजह से ये ऑब्जेक्टिव केस, इस लिखी प्रेपोजिशन की वजह से ये ऑब्जेक्टिव केस, इस लिखी हुई प्रेपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्टिव केस, इस लिखी प्रेपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्टिव केस। जब ये सारे के सारे ही ऑब्जेक्टिव केस हुए तो इस लिखे हुए नाउन के अकॉर्डिंग ही तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब का एग्रीमेंट तैयार हुआ। इसे हम कहते हैं कॉमन सेंस, नियम नहीं होते। यहां से अगर आप जिंदा हैं तो क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं है। उनकी सोचो, उन बच्चों की सोचो जो पहले दिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लपेटते हैं। हम लोगों ने छोटा सा कायदा तैयार किया किसके आधार पर, इस बात के ऊपर। नाउन में पहले दिन ही हम लोगों ने समझा, नाउन में समझा, प्रोनाउन में जस्टिफाई किया और चलते चलते कितनी दूर तक हम पहुंच गए। अरे हाँ ना, इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो यही है। मैं इसकी भी वजह आपके सामने रखूंगा ऐसा क्यों होता है, देखते रहिए सामने। दो बातें मैंने लिखी है, बड़े ध्यान से एक बार इसे देखें फिर मैं चीजों को लेकर चलूंगा आगे।
तो मुझे उम्मीद है कि छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोगों ने भी समझी वो आपने देखी होंगी। आइए चलिए थोड़ा सा बातें आगे लेकर चलते हैं। ना है वो बेखबर और तो भैया इसके बाद एक बात और है जो लेटेस्ट में हम लोगों ने पढ़ी है जिसे हम कहते हैं कंजंक्शन। अब कंजंक्शन से रिलेटेड दो एग्जांपल लेके चल लेता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं नीदर शी हैज पेड हर ड्यूज नोर मी, मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, बड़े ध्यान से देखो भाई, फिर छेड़ेंगे हर दिल की बात को। दोनों क्वेश्चंस पर थोड़ा सा काम करें। अब अगर इन दोनों के दोनों क्वेश्चंस पर हम काम करने की कोशिश करें तो बहुत प्यार से सवाल होते हैं हल। ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे पेयर कंजंक्शन से संबंधित है, कुछ याद आया बच्चों? और पेयर का अर्थ हम लोगों ने कुछ हिस्सों में बांटकर पढ़ा था और इसमें सबसे पहली बात हम लोगों ने समझी आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहली बात हम लोगों ने समझी आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरी बात हमने समझी एज क्लोज एज पॉसिबल। तीसरी बात रिवर्स कंसीडरेशन राइट टू लेफ्ट। उसके बाद हमने कहा अग्रीमेंट ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। कुछ याद आया बच्चों? तो वहां पर भी तो हेल्पिंग वर्ब का अग्रीमेंट लिखाया गया है। अब इसको थोड़ा सा अगर ठीक किया जाए तो थोड़ा सा ठीक करने का तरीका बड़ा प्यारा हुआ और इसे हम कह सकते हैं नीदर के साथ शी तो अपने आप में ठीक है लेकिन अगर देखें तो आइडेंटिकल पार्ट्स तो कहीं और छिपा हुआ है। यानी कि इसे एज क्लोज एज पॉसिबल लिखने के सवाल को नीदर के साथ लिखा शी, ठीक है, और आइडेंटिकल पार्ट्स को थोड़ा सा नजदीक लेकर हम आए तो इस मी को सब्जेक्ट के नजदीक लाए तो सब्जेक्टिव केस हो गया बेचारा, हाँ है ना, और इसी आई के मुताबिक अब हमें चुनने को मिला हैज को छोड़कर हैव को, ठीक है। तो आगे अगर मैं चलने की बात करता हूं तो ये तो लिखा पेड, इस आई के मुताबिक ही आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे माई ड्यूज। क्लियर होगी बातचीत? तो ये चीजें हम लोगों ने पेयर कंजंक्शन के नाम से पढ़ी हैं। एक अगला सवाल, दिमाग लगाएं। राखी नॉट ओनली वेस्ट्स मनी बट आल्सो हिम, तो कोई दिक्कत ही नहीं। पहले तो इस नॉट ओनली की अरेंजमेंट हम लोगों ने लिखने की कोशिश की, नॉट ओनली राखी
उसे लेकर आए हम इसके पास, आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं भैया, बट ऑल्सो ही सब्जेक्ट के नाम पर लिखा गया इसलिए हमने ही लिखा। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ही के अकॉर्डिंग वेस्ट्स तो अपने आप में बिल्कुल ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग एग्रीमेंट लेके जा रहा है, हाँ ना। अब इसी के मुताबिक अगर मैं आगे चलने की कोशिश करता हूँ तो वेस्ट के साथ हम लोगों ने लिखा मनी, ठीक है जी। तो ये तो हम लोगों ने पेयर कंजंक्शन के नाम से, एक मिनट के लिए रुक रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखो भाई। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम पर इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी हैं, फाइन। और मुझे यकीन है कि जो पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने मेहनत की है उन पर आप आराम से समय बिताएंगे, और कल इस वीडियो को आराम से जब देखेंगे आप दोबारा से तो आप इन पर मेहनत करना जान गए हैं, ठीक है। अब इस सारे के सारे खेल में हम लोगों ने एक कंजंक्शन को नहीं पढ़ा था, और वो कंजंक्शन है हमारी बड़ी प्यारी सी, देखो ज़रा बच्चों ध्यान से क्या लिखा मैंने, एंड, ठीक है। एंड कंजंक्शन हमने ध्यान से नहीं पढ़ी, हम मैं इसको डिलिब्रेटली समझाने का प्रयास करूंगा। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं और पहली बार आप लोगों के साथ, आप लोगों को समय दूंगा इन क्वेश्चंस पर काम करने का, ठीक है ना। अपना रजिस्टर, नोटबुक, कॉपी, पेन सब कुछ तैयार करो, और आपकी क्लास में मैं छोटे से परिवर्तन लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहली बात तो कमेंट्स पर देखना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि कमेंट्स की वजह से मैं दो चीज़ों पर परेशान होता, कुछ तो मूर्खानंद है, वो तो देवताओं की कृति है, वो लोग कभी सुधरेंगे नहीं, और कमेंटबाजी को देखने से जो डिलिब्रेट स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कोर अच्छा करना है उनका नुकसान होता है, ठीक है जी। इन चीज़ों को मैंने हटा दिया है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ इसे भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वरना कल आप परेशान हो सकते हैं जो मैं करने वाला हूँ। आप लोगों का एक जो दूसरा ग्रुप है EGV CW2, आप लोगों का ये एक डाउट ग्रुप बना हुआ है, हाँ या ना, आप लोगों का एक डाउट ग्रुप बना हुआ है। इस डाउट ग्रुप में एक समस्या हो गई है, कई सारे बच्चों ने दो दो तीन तीन डाउट ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, और उसके अलावा कुछ लोगों ने पता नहीं कौन कौन से ग्रुप्स को डाउट में कन्वर्ट कर दिया है, और मेरे लिए कि ये समस्या हो गई कि मैं किसी भी ग्रुप में इनफैक्ट देख नहीं पाता। जैसे अगर मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी इस पर क्लिक किया, तो इससे थोड़ी देर पहले मैंने इस पर क्लिक किया था, उस समय इस पर नोटिफिकेशन थी मोर देन 1000, और अब तक ये जो हमारी हो चुकी हैं इस पर 45 हो चुके हैं। तो 45 मैसेजेस को मैं सीरीज में अगर देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ, फाइन। लेकिन जो अलग अलग ग्रुप में एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार जब पोस्ट कर दिया जाता है तो मेरे लिए वो समस्या हो सकती है। जैसे भी मेरे सामने एक दूसरे डाउट का ग्रुप बनाया गया था, अब उसमें इतने सारे मैसेजेस हो गए हैं तो देखना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं इस ग्रुप को अब आज रात से डीएक्टिवेट कराऊंगा, और इस ग्रुप को हटाकर मैं आप लोगों को एक ही ग्रुप से जोड़ने की कोशिश करूंगा, EGV डाउट जोन। ये एक ही ग्रुप है, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर ही आप मुझे मिलेंगे, ये एक ही ग्रुप है बच्चों। अब आप इसी को तुरंत, इस वाले ग्रुप को छोड़ दें, प्लीज लेफ्ट कर दीजिए, इसे जल्दी से छोड़ दीजिएगा और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एक ही प्लेटफॉर्म सभी स्टूडेंट्स के लिए,
जितने भी बैचेज हैं मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रेंचाइजी ऑल इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सभी इसी में एक्टिव होंगे। अब एक ही प्लेटफॉर्म सभी के लिए, जिसको जहां से जो भी आ रहा है भैया इस पे ही आओ, क्योंकि दाएं बाएं के चक्कर में ना तो मैं किसी से देख पाता हूं ना कुछ कर पाता। ये टेलीग्राम का आपका ग्रुप है, इस EGVCW2 को मैं डिलीट करवाऊंगा अभी, ठीक है, आज रात को ही डीएक्टिवेट हो जाएगा। तुरंत आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग फटाफट से इस पर उछलकर कूद के आ जाएं, ठीक है, और यहां पर अब आप लोगों के लिए होगा खतरा, ठीक है, ठीक है। और ये वाला आप लोगों का जोन है ये खत्म हुआ, अब इसी पर काम करेंगे टेलीग्राम। और एक ही मेरा ऑफिशियल चैनल है, बार बार मैं बताना चाह रहा था, इंग्लिश विद गोपाल वर्मा, बेइंतहा इस पर आपके लिए कंटेंट है। जो बच्चे मुझसे वोकैबुलरी मांगते रहते हैं, सर वोकैबुलरी कहाँ से करें, ये भी आपका टेलीग्राम का ही चैनल है, फाइन। फेसबुक पर आप मुझे जोड़ सकते हैं अपने साथ, गोपाल वर्मा सर्च करें, ठीक है, मैं आप लोगों को मिलूंगा और इस पर आप सर्च करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। आप मैसेंजर पर कोई पर्सनल क्वेरी है आप उसे छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखें ये टेलीग्राम चैनल है और इसी पर आप अपना फोकस रहें, ठीक है। यही नाम यूट्यूब से भी है, मैं अपनी ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चे कई चक्कर में पड़ जाते हैं, कई जगह नकली चीज़ों पर उलझ जाते हैं और वो फिर ये सोचते हैं सर हम तो वो ढूंढ ही नहीं पा रहे। आपको यूट्यूब भी इसी नाम से मिलेगा, आप फेसबुक पर एक पेज अगर सर्च करेंगे तो उस पर भी आपको यही मिलेगा, फाइन, ठीक है। तो ये तो मेरा ब्रांड नेम है, ठीक है, ये मेरी रजिस्टर्ड फर्म है, कंपनी है बेसिकली, और टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से मिलेगा जिसपे कंटेंट है सिर्फ, और ये टू वे कम्युनिकेशन है जो डाउट्स के लिए बच्चों के लिए बनाया गया है। तो आप सभी से उम्मीद है मेरे दोस्तों आप CW2 को तुरंत छोड़ देंगे, ठीक है, अभी भी इसमें बच्चे करीब 2342 बच्चे हैं और 115 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, इसे तुरंत आप लेफ्ट करें और EGV डाउट जोन पर फटाफट से आ जाएं, ठीक है ना। और इसके बाद मैं सप्ताह में एक दिन डिसाइड करूंगा जिसमें आप लोगों के खूबसूरत से जो डाउट आएंगे उनको मैं YouTube पर आप सभी के साथ डिस्कस करना शुरू करूंगा, क्योंकि अब रास्ता निकालना पड़ेगा। बच्चे परेशान होते हैं दाएं बाएं की चीज़ों से, इसलिए बेटर है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाए बच्चों के लिए जिस पर अपनी इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकें। चलिए, तो छोटी सी बात मैंने इसलिए बताई ताकि हम लोग आगे परेशान ना हों। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया है अभी तक और एक चीज हमें नहीं समझ आई, ये एंड कंजंक्शन। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ एक सवाल लिखूंगा, जरा पेन पेपर निकाल लीजिएगा और पेन पेपर निकाल के इन क्वेश्चंस को लिखें, फिर सोल्व करने के लिए सटीक वैलिड या फिर अगर मैं कहूँ तो एक्यूरेट नॉलेज को अप्लाई करना शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चन तेरे लिए।
मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, प्लीज टाइम दीजिए अपने आप को और आंसर बनाने की कोशिश की। कोशिश करें दोस्तों। कोशिश करें। चलिए दोस्तों, मुझे अब समझाने का प्रयास करना होगा। सबसे पहले लिखे हुए सेंटेंस पर अगर मैं काम करता हूं, राम एंड श्याम इज आर इन दिस क्लास, तो आपने यहां पर देखने की कोशिश की, सर बात राम की और श्याम की है तो दो इंसान हुए इसलिए आर का जिक्र हुआ। कोई नई बात नहीं बच्चों, यहीं से हमारी लिखी हुई इस बातचीत का पहला कायदा तैयार हुआ। और पहला कायदा ये कहता है कि अगर लिखे हुए दो अलग अलग सेंटेंसेस को मैं एंड से जोड़ता हूं तो आने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए वो अपनी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, सिंगुलर होने का तो कोई ताल्लुक है ही नहीं, सीधी बात है। सेंटेंस नंबर टू की अगर हम बात करें तो ये सेंटेंस नंबर टू जो हमारे सामने लिखा है इसका क्या कायदा हो सकता है? अब कई सारे बच्चे ये कहते हैं सर एक आर्टिकल नजर आ रहा है इसलिए सिंगुलर हुआ। अच्छा, अगर मैं ये कहने की कोशिश करता हूं कि भैया एक आर्टिकल हुआ तो आपने हैज कह दिया होगा, अगर मैं यहां पर मान लू एक दूसरा आर्टिकल लगा दूं तो क्या कहोगे? तो भैया कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर फिर हैव लगा देंगे। एक बात बताओ यार, आर्टिकल में ऐसा क्या खास है? जब तक यही चीज हम लोगों को नहीं समझ में है तब तक तो तुक्केबाजी है, हाँ या ना? अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो। हम लोगों ने इससे पिछली क्लास में आर्टिकल्स की डेफिनेशन लिखी थी, कुछ याद है? हमने इससे पिछली क्लास में आर्टिकल्स की डेफिनेशन लिखी थी और उस डेफिनेशन को हम कहते थे वर्ड फिक्सर्स। क्या कहते थे? हम उसे कहते थे वर्ड फिक्सर्स, यानी कि जो शब्द से पहले आकर उसके मीनिंग को फिक्स करे। क्या कहा? जो शब्द से पहले आकर उसके मीनिंग को फिक्स करे, जो शब्द से पहले आकर उसके मीनिंग को फिक्स करे। तो इस कैटेगरी को थोड़ा सा ध्यान से समझो। हम लोगों ने इसी कैटेगरी को एक नाम से जाना था और इसका नाम हमने लिखा था डिटरमिनर्स। कुछ याद है बच्चों? डिटरमिनर्स के परिवार में सबसे पहले हम मिले ए एन द, इनका जिक्र हम हमेशा नाउन के साथ करते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ भाई? हाँ या ना? फिर इसी परिवार को थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखे हम तो कुछ पजेसिव एडजेक्टिव्स भी थे, जैसे मैंने कहा माई, आर, योर एट्सेट्रा, इन सभी का जिक्र हम लोग नाउन के साथ लिखते थे। बोलो हाँ।
इन सभी का जिक्र हम लोग नाउन के साथ रखते थे, बिना नाउन के तो इनका कोई सेंस ही नहीं बनता। ये हमारे डिटरमिनर्स हुए। फिर अगली बात अगर मैं कहना चाहूँ तो ऐसे और भी डिटरमिनर्स हैं, जैसे मैंने कहा सम, मच, मैनी एटसेट्रा, इनका भी जिक्र हम लोग नाउन के साथ रखते थे, ये भी हमारे डिटरमिनर्स ही हैं। डिटरमिनर्स का परिवार बड़ा हो रहा है, आर्टिकल के दायरे से हम बाहर सोचने की कोशिश कर रहे हैं, फाइन। इसी जैसे शब्दों की मैं बात करना चाहूँ तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन के साथ यूज होते थे, यानी कि डिटरमिनर्स हैं। अरे हाँ ना, इसका मतलब यहाँ पर किसी एक आर्टिकल की बात नहीं है भाई, यहाँ पर बात दो बन गई हमारे सामने, और बात दो इस तरह बन गई कि अगर लिखे हुए दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए मैं एक ही डिटरमिनर लिखता हूं तो भैया तो मेरी हेल्पिंग वर्ब कैसी रही, सिंगुलर। अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए सिंगल डिटरमिनर में यूज करता हूं, अगर सिंगल डिटरमिनर है तो एक ही वर्ड का तो मीनिंग फिक्स हुआ, अरे हाँ या ना। लेकिन अगर मैं इसी के ऑपोजिट सोचने की कोशिश करूं और लिखे हुए दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ अगर मैं डिटरमिनर का यूज करना चाहूं तो फिर हमारी बातचीत थोड़ी सी अलग हो गई। अलग अलग डिटरमिनर हुए तो अलग अलग होने का मतलब हुई प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो इसका मतलब अगर सिंगल डिटरमिनर की मैं बात कर रहा था तो इस डिटरमिनर ने इन दो अलग का नहीं एक ही का मीनिंग फिक्स किया है, और अगर मैं दोनों के लिए अलग अलग डिटरमिनर यूज कर रहा हूं तो दो अलग अलग इंसान को फिक्स किया है, इसलिए सिंगुलर प्लूरल का जिक्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान से आए, समझने का प्रयास करें। फरहान अख्तर इज एन एक्टर, अ डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर। बे इंतहा तुक्केबाज इस वाले टॉपिक पर काम करते हैं, बे इंतहा। मैं तो सोचता हूं कि वो कितने बर्बाद हैं वो स्टूडेंट्स और वो टीचर्स, कितना गलत काम करते हैं जो पहले दिन ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उठा के करा देते हैं। अरे भाई तुम क्या कराते हो, तुम बच्चों को पहले दिन सर सीखने की बजाय उनका तोते उड़ा देते हो। देखो कितनी खूबसूरत बात है। मैं अगर इस लिखे हुए सवाल को ध्यान से देखूं तो फरहान अख्तर बेसिकली सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अरे हाँ या ना। चलो इस बात को समझाऊंगा बाद में, पहले कि मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, मैंने कहा राम इज टीचर्स, ये सेंटेंस मैंने ठीक लिखा, सोचो और बताओ। क्या ये सेंटेंस मैंने आपके सामने ठीक लिखा है? अब अगर मैं इस बात को ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो आप कहोगे सर ये तो लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, ये हमारे सामने लिखी है लिंकिंग वर्ब, अरे हाँ है ना। अब अगर इस नाउन की बात मैं इस लिंकिंग वर्ब के बाद लूं तो सर जो भी इसके बाद आने वाली बातचीत होगी वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है भाई, एडवर्ब में सिखाया गया है। अब अगर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो नाउन अगर मेरा सिंगुलर है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी तो सिंगुलर ही होगा भाई, हाँ है ना। अब अगर इसकी मैं बात करता हूं तो राम अगर मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और वो भी सिंगुलर है तो लिंकिंग वर्ब के बाद इसी के लिए तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिएगा, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर, इसीलिए हम लोगों ने यहां पर इसको इस तरीके से ठीक करने की इच्छा लगाई। अरे भाई हाँ है ना, राम इज अ टीचर, अरे हाँ है ना। अब अगर मान लो इसी लिखे हुए सेंटेंस में मैं इस इज को हटाकर, पुरानी बात लिख रहा हूं बच्चों, अगर इसको हटाकर अगर मान लो मैं सेंटेंस में लिखने की कोशिश करता हूं सॉ, तो बेसिकली सॉ हमारे पास एक एक्शन वर्ब है तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं, फिर ये आपके सामने लिखा हुआ सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो टीचर्स में प्रॉब्लम नहीं है, कहानी बन गई। कहानी क्या बनी उसे ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। अगर लिखे हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट की मैं बात करता हूं और इस सब्जेक्ट के इमीडिएट मुझे लिखी मिलती है लिंकिंग वर्ब, क्या लिखी मिलती है लिंकिंग वर्ब, तो दो अप्रोच सामने आई। मेरे सामने लिखा हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, मेरे सामने लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर होने के नाते जो भी चीज आ रही है मैं उसके लिए सिंगल डिटरमिनर यूज करूंगा, अरे भाई हाँ है ना। लेकिन अगर यही सब्जेक्ट मेरे सामने लिखा नजर आए प्लूरल, तो भाई प्लूरल लिखने की बातचीत के आधार पर तो मुझे इसके अलग अलग यानी कि एक से ज्यादा डिटरमिनर्स यूज करने होंगे, अरे हाँ है ना।
भाई एक से ज्यादा तभी तो प्लूरल बनेंगे यार, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कौन सा बेहोश होने की जरूरत है। तो अब यहां से एक नियम और तैयार हो गया, अगर मेरे सामने लिखे हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद लिखी नजर आती है एक्शन वर्ब, तो एक्शन वर्ब तो सर दायरा बदल सकती है, और क्या बदलती है थोड़ा ध्यान से देखें, दायरा ये बदलती है एक्शन वर्ब सर, राम सॉ टीचर्स, तो राम बहुत सारे टीचर्स को भी देख सकता है, अरे भाई हाँ है ना, और राम चाहे तो किसी एक टीचर को भी तो देख सकता है, अरे हाँ है ना। इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर एक्शन वर्ब हमारे सामने लिखी है तो सर सिंगल डिटरमिनर का दायरा भी काम कर सकता है और मल्टीपल डिटरमिनर्स का भी दायरा काम कर सकता है, डिपेंड करता है हम किस तरह का कॉन्टेक्स्ट तैयार करना चाहते हैं। अब देखो जिन बच्चों ने शुरुआत से कहानी नहीं समझी है, मीन्स नाउन से नहीं, उनके लिए बहुत बढ़िया खेल उलझता जा रहा है, वो सोचेंगे साला सर्किट बना रहा है मास्टर, लगता है आज कुछ पगला गया। अबे क्वेश्चन पर ध्यान से देखें भाई साहब, ये लिखा सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, अगर मैं कहना चाहूँ तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही तो है, ये लिखी हमारे सामने लिंकिंग वर्ब, तो भैया सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इसके लिए डिटरमिनर भी तो सिंगुलर ही चाहिएगा, इसीलिए हमने इस एन में दिक्कत नहीं मानी और इन दोनों को हमने हटाया, कॉमन सेंस की बात है। ठीक, मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 4 आता है, राहुल इज माय फ्रेंड एंड माय नेबर, ऊपर वाला लॉजिक फिर काम आया, राहुल हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अरे हाँ है ना। अब अगर राहुल हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये हुई लिंकिंग वर्ब, तो भैया सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगल डिटरमिनर वैलिड हुआ, दूसरे डिटरमिनर की तो जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आए, किरण हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, सॉ एक बेसिकली एक्शन वर्ब हुआ, अब एक्शन वर्ब होने का मतलब क्या हुआ, एक्शन वर्ब होने का मतलब इसके बाद तो ऑब्जेक्ट चाहिए, अब ऑब्जेक्ट के लिए दोनों के दोनों अलग अलग डिटरमिनर भी आ सकते हैं, अरे हाँ है ना, हो सकता है उसने दो अलग अलग डिटरमिनर से अलग अलग इंसान को फिक्स किया, यानी कि हो सकता है उसने दो अलग अलग इंसान को देखा, ऐसा भी तो हो सकता है जिसे उसने देखा वो एक ही इंसान है, तो यानी कि सिंगल डिटरमिनर का भी हम यूज कर सकते हैं, ये बात मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है, क्लियर है। अब आओ अगले सवाल पर, आपका एग्जामिनेशन इन क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करता है क्योंकि ये तो बिना समझे भी तुक्केबाज कर ही लेते हैं, बेहोशी यहां से शुरू होती है। ठीक है जी, मेरे सामने लिखा हुआ है देर आर सम बॉयज एंड गर्ल्स इन दिस पार्क, अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, भाई बॉयज का डिटरमिनर लिखा है हमारे सामने सम, इस गर्ल्स का कोई डिटरमिनर नहीं है, अगर नहीं है तो क्या ये दोनों के दोनों नाउन किसी एक के लिए यूज हुए हैं, आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, दोनों अलग अलग हैं, बॉयज अलग हैं गर्ल्स अलग हैं, तो भाई जब अलग अलग हैं तो इसके लिए भी तो डिटरमिनर हम लोगों को अलग ही चाहिएगा, अरे भाई हाँ है ना, इसके लिए भी तो हमें डिटरमिनर अलग ही चाहिएगा, जब दोनों के लिए अलग अलग बात हुई तो दोनों के लिए अलग अलग डिटरमिनर की हमें जरूरत है, कॉमन सेंस की बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मैंने कहा आई मेट हिज फादर एंड मदर टुडे, सवाल वहीं का वहीं आ गया घूम फिर के, यहाँ पर भले ही हमारे सामने एक एक्शन वर्ब है, हमें इसे लेना देना अब नहीं रहा, हम तो इस खेल पर काम करेंगे, फादर के लिए डिटरमिनर यूज हुआ हिज, क्या इसी डिटरमिनर से मैं इस मदर को अगर रिप्रेजेंट करूं तो ये दोनों इंसान एक ही हुए भाई, आप कहोगे नहीं सर मदर अलग है, तो मदर अगर अलग है तो इनके लिए हमें अलग डिटरमिनर की जरूरत पड़ेगी, क्लियर है। एक आखिरी सवाल आपके सामने, रौनक सर्व्ड मी मैनी चपातीज एंड करी, बच्चों ध्यान से देखो, चपातीज के लिए मैनी डिटरमिनर है तो क्या करी के लिए मैनी का यूज करोगे, नहीं, इसके लिए आप यूज करोगे अलग से डिटरमिनर। ठीक है जी, थोड़ा ध्यान से देखें फिर मैं चीजों को आगे जोड़ना चाहूंगा।
चलिए, आई एक्सपेक्ट यू पीपल हैव सीन एंड अंडरस्टूड द बेसिक लॉजिक ऑफ डिटरमिनर्स। इसीलिए मैंने आप लोगों को आर्टिकल्स को समझाने के लिए डिटरमिनर शब्द का यूज किया, क्योंकि खेल डिटरमिनर्स के आधार पर ही बन जाता है। अब काफ़ी सारे बहुत अच्छे सज्जन टीचर्स हैं, कंपैरिजन तो मैं किसी का भी नहीं कर सकता, क्योंकि सारे अपनी जगह से अपने हिसाब से अच्छे एफर्ट्स लगाते हैं। फाइन, सभी टीचर्स अपने आप से बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाते हैं और सभी टीचर्स के अपने प्रयास के एक सलाम है, लेकिन हो सकता है कि हम लोगों को ये समझना चाहिए, हम लोगों को ये समझना भी होगा कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ समझनी है। फाइन, अब डिटरमिनर्स की अगर सेगमेंट हम समझाने की कोशिश करें, कुछ लोग डिटरमिनर्स का अलग ढोल बजाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों डिटरमिनर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं सुनना चाहता हूँ क्या पढ़ाओगे, तो वो बेहोश आत्माएं ये पढ़ाना शुरू कर देती हैं कि डिटरमिनर्स के नाम पे बेटे पहला ए अंदा पढ़ो, फिर माई आर योर पढ़ो, फिर सम मच मैनी लिटल अ लिटल द लिटल फ्यू आ फ्यू द फ्यू पढ़ो, फिर दिस दैट दीज दोज पढ़ो। बेहोश आत्माओं, आप सारे के सारे एडजेक्टिव का ही तो सत्यानाश कर रहे हो। बच्चे को एडजेक्टिव ऐसे पढ़ाओ ना कि डिटरमिनर्स के नाम से एडजेक्टिव एकदम से उसे समझ आए। मेरे शब्दों का बुरा मत मानना, मुझे बुरा लगता है जो उलझा हुआ ज्ञान है। ज्ञान तो वो है जो आपको सुलझा दे, हाँ ना। मोहब्बत तो वो है जो आपके दिल के मोह को, जो आपके दिल के मोह को बातों से व्यक्त ना कर पाए। हम अधूरे हैं, हम समझ नहीं पाते, हम बस चीजों को ये चीज लगे रहते हैं। अब काफी सारे, अब मैंने कमेंट्स देखना बंद करना है, काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सिलेबस कम खत्म होगा, खत्म कर लो क्या दिक्कत है। अरे तुम सीखने का जज्बा रखो भाई, पहले सीखने की दिल में गुंजाइश रखो। कई सारे बच्चे हैं मैं पढ़ा ये रहा हूं, सवाल उठता है सर वो कब पढ़ाओगे। भाई साहब वो भी पढ़ाएंगे जब वक्त आएगा, हाँ ना। पहले वो चीज तो समझ लो जिस चीज की कद्र है। लेकिन अलग अलग तरह से हम लोग विचार लगाते हैं। अब मैं किसी पर कोई गुस्सा की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है इस चीज को, जो बच्चे काबिल हैं, जो बच्चे सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका बहुत नुकसान हो जाता है। और उनके किसी के कमेंट में, किसी मूर्खानंद के कमेंट की वजह से दूसरे बच्चों का नुकसान हो, ये मुझे महसूस हुआ। मैं 2 दिन तक हॉस्पिटल रहा, पिताजी के साथ बैठा रहा, बहुत सारे चीजों के विचार आए, बच्चों के दिलों में क्या क्या सवाल आ सकते हैं, बहुत कुछ सोचा समझा और महसूस किया कि जिन्हें नहीं सीखना उन्हें तो भगवान भी आकर नहीं सिखा सकता, और जो सीख रहे हैं मैं उनका नुकसान भी करता जा रहा हूं। तो मुझे लगा कि मेरे प्रयास में कहीं कमी है, और अब जो बच्चा सीखना चाह रहा है, जो इस महफिल में साथ चलेगा वो सीखेगा, सिलेक्शन लाएगा, रैंक निकालेगा, और जिन्हें नहीं तो वो भैया अपनी गाड़ी जैसे चला रहे हैं चलाते रहे। कुछ और सवाल एंड कंजंक्शन से रिलेटेड है, जो पेपर बार बार आप लोगों से पूछने की कोशिश करता है। अपना रजिस्टर पेन तैयार रखें, सिर्फ आंसर्स लिखें, पूरे क्वेश्चंस लिखने का समय आपको पूरा मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ने दिल तेरा काला मुंडिया
मैंने आपके सामने 8 सवाल लिखे हैं, सोचे समझे आंसर मेकिंग पर काम करें प्लीज। जरा कोशिश करें अपने आंसर्स पर। चलिए आइए इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। देखो इसके पीछे एक बड़ा प्यारा सा लॉजिक है। इन लिखे हुए सेंटेंसेस में कहीं पर भी कोई डिटरमिनर नाम की चीज़ नहीं है। जब डिटरमिनर नाम की चीज़ नहीं तो फिर ये क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं? आओ थोड़ा कायदास लगाते हैं। कभी कभी दो अलग अलग सब्जेक्ट्स, सुन रहा है ना तू, कभी कभी दो अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलकर किसी एक पर्सन की बात करते हैं, किसी एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर किसी भी एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। जब कायदे से ये सभी के सभी मिलकर एक हो ही गए हैं तो एक होने का मतलब इनके साथ लिखी हुई जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वो सिंगुलर ही हुई। तो अब इन चीज़ों को समझने के लिए हम लोगों को डेलिब्रेशन लगाना होगा। थोड़ा ध्यान से सुने, मेरे सामने लिखे हुए सेंटेंस पर अगर मैं काम करता हूँ स्लो एंड स्टडी, क्या जो इंसान स्लो है वो रेस जीत सकता है? नहीं। क्या आप दौड़ लगाते वक्त स्टडी रहते हैं? नहीं। आपकी जो स्पीड है वो फ्लैक्चुएट करती रहती है। इसका मतलब दोनों की दोनों क्वालिटीज़ मिलकर एक इंसान में अगर आए तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट होम ऑफ वर्म में ऐसे ये सब जोड़ते ही हमने सुना है। टाइम एंड टाइड वेट वेट्स फॉर नन। टाइम, आप लोगों की क्लास शुरू ही 8:33 पर क्लास चलती रहेगी। मैं पढ़ाऊँ, बैठूँ, हंसूँ, बोलूँ, कमेंट्स देखूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? समय चलता रहेगा। टाइड कि अपनी कोई फिक्स मोमेंट नहीं होती, किसी भी समय आ सकती है। दोनों चीजें अगर अलग हैं तो प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ही हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। सेंटेंस 3 पर आते हैं, फिश एंड सैलड, तो क्या जो फिश खाता है वो सैलड खाता है?
क्या जो सैलड खाता है वो फिश खाता है? आप कहोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है, ये जो भी कुछ लिखा है इसका लिखा हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखो ना, सिंगुलर डिटरमिनर के साथ आया है। अगर ये इन दोनों को मिलाकर एक सर डिलीशियस डिश बन रही है तो ये तो सिंगुलर होने का नाता तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आए, हॉर्स एंड कैरेजेस आर रेडी। सर सोचने की कोशिश करना, क्या आप कहीं पर भी जब जाते हैं तो सिर्फ हॉर्स पर जाते हैं, कैरेज नहीं लेके जाते? नहीं सर, आप कहोगे दोनों चीजें मिलाकर एक हमारे पास सोर्स ऑफ ट्रेवल बनता है। इस एक अगला क्वेश्चन, राइस एंड करी। अरे भैया दोनों को मिलाकर खाया जाता है, राइस और करी दोनों को मिलाकर एक चीज तैयार की जाती है जो हम खाते हैं, सीधी बात है। तो बात आ गई सिंगुलर की। लव एंड हेट्रेड इज आर एस्पेक्ट या एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सर जिन्हें प्यार है वो नफरत नहीं समझते, जिन्हें नफरत है वो प्यार नहीं समझते। दोनों चीजें अलग अलग हुई तो आर कह देना काफी हुआ और एस्पेक्ट्स कह देना भी काफी हुआ। फाइन, ये एग्जामिनेशन ने पूछा है, इसका ध्यान से समझ लीजिएगा। मेकिंग पाइज एंड केक्स इज आर हिज एक्सपर्टाइज। अगर थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो दोनों तरीके से ये सोल्व होता है। एक तो लिखी हुई बातचीत सिंगल डिटरमिनर के आधार पर सोल्व हो गई, ठीक है, सिंगल डिटरमिनर है तो सिंगुलर के हिसाब से चले। वैसे अगर दूसरे तरीके से हम समझें तो मेकिंग पाइज एंड केक्स, पाइज एंड केक्स से ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक है किस चीज से, मेकिंग से। वो बनाना बहुत अच्छे से जानता है, चाहे पाइज हो चाहे केक्स हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहीं तो हमारी समस्या ही खत्म हो गई, अगर कंसीडरेशन हम ठीक लेके चल लेते हैं तो। ब्रेड एंड बटर इज आर सर्व टू द गेस्ट। हम किसी भी गेस्ट को जो सर्व करते हैं वो सिर्फ ब्रेड सर्व करते हैं या सिर्फ बटर? आप कहोगे सर दोनों चीजों को मिलाकर सर्व किया जाता है, इसलिए क्या यूज हुआ इस? फटाफट से एक बार नजरें निकालें फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो छोटी छोटी बातें थी इस एंड को लेकर। होने लगा हम लोगों ने इससे पहले नाउन के दौरान एक छोटी सी बात समझी थी और उस बातचीत को हम कहते हैं फ्रैक्शंस। मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं, हम लोगों ने इससे पहले एक बात को समझा था जिसे हम लोगों ने कहा था फ्रैक्शंस। पुरानी बात है, छोटी सी रिकैपिचुलेशन मैं करना चाहूंगा। जैसे अगर मैं कहूं 1/3 इज या फिर आर, पुरानी बात है, शायद आप लोगों को याद होगा और आपने कहा सर 1/3 सिंगुलर की बात करता है और ये हुआ इज। ऐसी कोई बात हम लोगों ने पहले पढ़ी है, हम लोगों ने इस बात को पहले कहीं समझा है। फाइन, अब मैं आपके सामने फ्रैक्शंस का एक एक्सटेंडेड वर्जन लेकर चलना चाहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला नियम तैयार हम करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए दोस्तों हम इस फ्रैक्शंस की बात करते हैं,
फ्रैक्शन लिख लेता हूं, अगर किसी भी फ्रैक्शन के साथ लगाकर ऑफ हम लोग लिखने का काम करें एक नाउन, तो हेल्पिंग वर्ब का क्या बिहेवियर हो, आओ इसे समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके सामने लिख देता हूं एक छोटा सा सवाल, 1/10 ऑफ द बुक्स इज या फिर आर, सोचिए। एक दूसरा सवाल लिखता हूं, शायद याद आ जाए, द एप्पल्स ऑफ शिमला इज आर डिलीशियस, क्या चुनेंगे आप? तो आप चुनेंगे एप्पल्स के मुताबिक आर, यही चुनेंगे भाई, हाँ है ना, कोई नई बात नहीं। आप लोगों ने गणित पढ़ा है और गणित में सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं बोडमास, कहते हैं भाई। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बी हुआ ब्रैकेट, ओ का मतलब हुआ ऑफ, ऑफ का मतलब हुआ मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो इस ओ का मतलब हुआ ऑफ और इस ऑफ का मतलब हुआ मल्टीप्लीकेशन, ये हम लोग समझते हैं, हम जानते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखो कायदा क्या कहता है उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सामने इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूं तो कैसे होगी बात, ये लिखा मैंने 1/10, ऑफ का मतलब तैयार हुआ मल्टीप्लाई, बुक्स मान लो मैं बुक्स की जो संख्या है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने 200 बुक्स, चलो इसको सोल्व करके देखता हूं, जीरो से जीरो आउट हुआ, मेरे सामने जो रिजल्ट हुआ सोल्यूशन के बाद हुआ बुक्स, तो बुक्स के मुताबिक तो मुझे आगे चुनने को मिला आर, अरे हाँ है ना। मैं इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखने की कोशिश करता हूं और मैंने लिखा आपके सामने 1/10 ऑफ द वर्क चुना जाए इज या आर, मैं इसको भी सोल्व करके देखता हूं, ये लिखा 1/10 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, वर्क की वैल्यू मुझे पता ही नहीं, जरा सोल्व करके दिखाओ, जरा सोल्व करके दिखाओ, तो आप कहोगे सर जब आपको इसकी वैल्यू पता ही नहीं तो इसका सोल्यूशन निकलेगा नहीं, और जब कुछ सोल्यूशन ही नहीं है तो हम लोग उसे किस तरीके की कैटेगरी पर लेकर चलते हैं, सिंगुलर। तो ये बन गया जी नियम हमारे सामने कि अगर लिखा मिलता है इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, अगर लिखा मिलता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो चाहिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर लिखा हुआ मिलता है अनकाउंटेबल नाउन तो चाहिए हम लोगों को सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, बात ही खत्म हो गई, वही नियम यहाँ पर हुआ। यहाँ पर हम इस बुक्स के मुताबिक ही तो आर को चुन रहे हैं, इस वर्क के मुताबिक ही तो इसको चुन रहे हैं। अब इस बात में और इस बात में क्या फर्क हुआ, इस ऑफ का मतलब अपने आप में अलग है, इस ऑफ का मतलब है पोजेशन बताना, लेकिन इस ऑफ का मतलब हुआ मल्टीप्लीकेटिव। दोनों का फर्क समझ में आ गया बेटा, दोनों का अगर फर्क समझ में आ गया है तो हेल्पिंग वर्ब का फर्क भी समझ आ ही जाएगा, ठीक है। अब इसी से जुड़ी मैं एक और बात लिखने की कोशिश करता हूं और मैंने आपके सामने लिखा एक बड़ा प्यारा शब्द, देखो ध्यान से क्या लिखा, न्यूमरल। न्यूमरल के साथ मैंने आगे जोड़ने की कोशिश की परसेंट ऑफ नाउन, आगे हेल्पिंग वर्ब कैसी हो ये सोचना होगा। न्यूमरल हम लोगों ने पढ़ा था नाउन के दौरान, नंबर नेम, क्या कहा बच्चों, नंबर नेम, अंकों को शब्दों में लिखते हैं उसे हम बात करना चाहते हैं। मैं इसी बात को थोड़ा सा कायदे से बदलने की कोशिश करता हूं और मैंने आपके सामने लिखा न्यूमरल, मान लीजिए एक छोटी सी बात लिखी मैंने आपके सामने और लिखा 10%, ठीक है भाई, तो 10% को लिखा कैसे जाए, ये लिखा मैंने 10, ये लिखा पर और सेंट हो गया ये, तो भैया इसको भी सोल्व हमने कर दिया, ठीक है जी, और ये सोल्व होके हमारे पास घूमकर बात तो वहीं पहुंच गई, अरे हाँ है ना। मगर मान लीजिए मैं इसी चीज को हटाकर आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूं और मैंने आपके सामने लिखा 10%, मान लो मैं फिर कायदा लिख रहा हूं वही चीज, तो ये तो कट गया, अब बताओ सोल्व क्या करें, तो घूम फिर कर वही की वही बात रह गई, इसका मतलब कहानी तो वहीं की वहीं रह गई, लिखा प्लूरल काउंटेबल नाउन तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल रही, लिखा सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, लिखा अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि कहानी क्या समझ में आई, कहानी ये समझ में आई कि भैया किसी टीचर ने आपको जब परसेंटेज पढ़ाया था तो सबसे पहले परसेंटेज के ही शब्दों को नंबर्स को आपको फ्रैक्शन में तोड़ना सिखाया। मैं अगर आपसे पूछूं 2%, आपने कहा 1/50, मैंने कहा 10% 1/10, मैंने कहा 20%, मैंने कहा कितना बताओगे भाई 1/5, यानी कि जितने भी न्यूमरल के साथ जुड़े हैं ये परसेंट वाले शब्द सारे के सारे फ्रैक्शन वैल्यू ही तो हैं। फिर एक तीसरा नियम सामने आया कि सर अगर हम सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं परसेंट
या फिर अगर हम यूज करते हैं परसेंटेज, तो ऑफ के बाद आया नाउन क्या रोल प्ले करेगा? मैंने कहा बेटा प्ले क्या करेगा, अब तुम खुद ही देख लो। मान लो यहां से मैंने 10 को हटाया, तो 10 आपके सामने से हटा, ठीक भाई। तो 10 अगर हटा तो सोल्व करके दिखाओ जरा इसको। आप कहोगे सर जब तक ये वैल्यू नहीं है मैं सोल्व ही नहीं कर पाऊंगा। मैं यहां पर भी अगर कहने की कोशिश करता हूँ ये हटाया मैंने आपके सामने और भैया जरा सोल्व करके दिखाओ, आप कहोगे सर जब तक ये वैल्यूज ही नहीं है तब तक सोल्व क्या करें। इसका मतलब जब तक न्यूमरल इसके साथ नहीं है तो कहानी पूरी तरह बदल गई। यानी कि अगर लिखा हो इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाली हेल्पिंग वर्ब एक ही रूप में काम आएगी और उसे हम कहते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल का कोई मतलब ही नहीं रहा भाई, जब सोल्व ही नहीं कर पाए किसी चीज को तो सिंगुलर ही तो रह गए आप। आप सिंगुलर नहीं, मतलब आपका आंसर तो सिंगुलर ही रह गया। अरे हाँ या ना। अब इसी से जुड़ी हुई हमारे पास कुछ ऐसे भी फ्रैक्शंस हैं जो हम लोग हर दिन की भाषा में यूज करते हैं। जैसे अगर मैं लिखने की कोशिश करूं हाफ, मैं लिखने की कोशिश करूं क्वार्टर, मैं लिखने की कोशिश करूं मोस्ट, मैं लिखने की कोशिश करूं सम, या फिर लिखने की कोशिश करूं रेस्ट, तो इनके साथ अगर ऑफ लिखा हुआ मुझे नजर आता है तो भैया कायदा यही काम कर जाएगा। ऊपर वाला प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। एग्जांपल लेने की कोशिश करूं, अगर मान लीजिए मैंने कहा रेस्ट ऑफ द मैंगो, सिंगुलर होने की वजह से इस चुना। मैं अगर कहने की कोशिश करूं रेस्ट ऑफ द मैंगोज, सर प्लूरल होने की वजह से आपने चुना आर, नॉट अ बिग डील, ठीक है भाई, छोटी छोटी बातें हैं। एक और नियम को समझाता हूं। हमारे सामने लिखा होता है एक छोटा सा शब्द, बहुत सारे बच्चे इसे रटते हैं, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, बहुत सारे स्टूडेंट इसे रटते हैं और रटने वाले खतरनाक हैं। मैं अगर कहने की कोशिश करता हूं अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज आर, और अगर इसी बात को मैं कहने की कोशिश करता हूं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज आर, क्या कहना सेंसिबल होगा? तो बच्चों को बड़े बुरे तरीके से रटाया जाता है। रटने से पहले एक चीज समझें बच्चों, नंबर वो है जो काउंटेबल है, इसलिए इसके बाद आने वाला प्लूरल काउंटेबल नाउन ही यूज होता है, ठीक है। अब दोनों चीजों को ध्यान से समझना, आर्टिकल ए लगाने के साथ ये क्या लिखा है, नंबर, यानी कि इस नंबर का मीनिंग किस में जा गया, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को अगर मैं देखूं तो प्लूरल हो गया, तो क्या चुना हमने, आर। लेकिन अगर यहां इस नंबर के साथ में लिखा हुआ देखता हूं क्या चीज, आर्टिकल द, यानी कि स्टूडेंट्स की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं नंबर की, और इस आर्टिकल द लगाने की वजह से स्पेसिफिक हुआ। अब नंबर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या यूज करने की कोशिश की, ठीक है। तो तुक्के लगाने की बातचीत अगर हम कहें तो भैया इस आर्टिकल ए लगाने की वजह से प्लूरल, और प्लूरल की वजह से ही हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हुई, और आर्टिकल द लगाने की वजह से ये हुआ हमारे पास सिंगुलर, और इसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब हुई हमारे पास सिंगुलर, ठीक है। अब मान लो आपके सामने मैं क्वेश्चन तैयार करता हूं, ब्लैंक नंबर ऑफ बुक्स, बुक्स की जगह यही लिखता हूं आपके सामने स्टूडेंट्स इज आर डिक्लाइनिंग, जरा सोचे और मुझे बताएं। अब अगर इस लिखी हुई बातचीत को मैं ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो भैया यहां से आंसर मत ढूंढो, आंसर ढूंढो यहां जो इसका कॉम्प्लीमेंट है, डिक्लाइनिंग। सर डिक्लाइन क्या हो सकता है, स्टूडेंट्स थोड़ी डिक्लाइन हो सकते हैं,
स्टूडेंट्स लिखलाएंगे। देखो यहां से तो मैं लिंकिंग वर्ब देखूंगा और लिंकिंग वर्ब की वजह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चुना गया। अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस चीज का है, स्टूडेंट्स का या नंबर का? डिक्लाइन क्या होगा, स्टूडेंट्स तो डिक्लाइन नहीं हो गए। डिक्लाइन होने का मतलब क्या हुआ, हम बात किसकी कर रहे हैं, नंबर की। इसका मतलब इस स्टूडेंट्स का जो मीनिंग है वो इस नंबर में जुड़ना चाहिए। नंबर में अगर जुड़ गया है तो नंबर के मीनिंग को स्पेसिफिक बनाने के लिए द को चुना, और इसी के आधार पर हम लोगों ने इधर क्या चीज को चुनने की कोशिश की, इस। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो बच्चों बातें तो आगे भी हम करेंगे, कल भी हमारी बातचीत होगी, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अपने नाउन से लेकर और यहां तक जो भी मैंने समझना समझाना चाहा, इसे बड़े ध्यान से रिवाइज करें। वीडियोस को 2 बार 10 बार 20 बार देखें। दूसरी बात मैंने आपको बताई, डाउट आप लोगों का ईजीवी CW2 को मैं हटा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को परेशानियां होती इस चीज से, भाई डाउट कहां पोस्ट कर दिया उन्हें भी नहीं पता और मुझे तो पता चलता ही नहीं, बिकॉज आई टेक माई क्लासेस। ठीक है, फिर दूसरी बात हमारे सामने आ गई, मैंने एक ईजीवी डाउट जोन आपके लिए बता दिया है, गूगल पे सर्च करें, टेलीग्राम पर मिलता है, वैसे गूगल पर सर्च करने वाले भी खतरनाक लोग हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।